द कॉन्स्टेंट्स रिलेशन, ठीक है, तीन ब्लॉक्स हैं ए वन और ए टू के बीच, हमें रिलेशन निकालना है। यहां से ये ए वन है और ये ए टू है और ये जो है टू ब्लॉक्स हैं, ठीक है, देर आर टू ब्लॉक्स नॉट थ्री ब्लॉक्स, देर आर ओनली टू ब्लॉक्स, ठीक है, ये टू ब्लॉक्स हैं, टू ब्लॉक्स हैं। अब हमें इनके एक्सलेशन रिलेट करना, चलो तो अगर मुझे एक्सलेशन रिलेट करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं टेंशन काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। इसमें टेंशन टी मान लूँ तो इसमें टेंशन टू टी आ जाएगा, इसमें टू टी और ये आ जाएगा यहाँ फोर टी, तो ये फोर टी फोर टी फोर टी फोर टी इधर गया तो इसमें आ जाएगा फोर टी और इसमें आ जाएगा फोर टी, स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना एट टी, ठीक है। तो ये तो इस वाले ब्लॉक में ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसमें टेंशन एट टी ऊपर लग रहा है, तो माइनस एट टी ए वन इसके लिए लिख दिए, ठीक है, और ये टेंशन ऊपर है और ये जा भी ऊपर रहा तो कॉस जीरो वन हो गया, तो ये प्लस टी ए टू दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए टू, ए टू इज इक्वल टू एट टाइम्स ए वन, दिस इज द रिलेशन ऑफ द एक्सलेशन, ठीक है ना। मतलब देखने से इतना भारी भरकम लग रहा था पर ये है नहीं, ठीक है ना। इस रिलेशन से, इस ट्रिक से बहुत अच्छे तरह से तुम बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हो, ठीक है।